लेकिन अब 40 मिनट है और अलग अलग जगहों के पत्रकार वन बाय वन सवाल पूछ सकते हैं, छोटे सवाल होंगे और राजेंद्र भाई उसका जवाब देंगे। आप सभी जानते हैं कि जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी आज आरजेएस के राष्ट्रीय वन महोत्सव वेबिनार में आए हैं और आरजेएस जो 25 राज्यों की फैमिली है वो काफी गौरवान्वित है। राजेंद्र सिंह जी को जानकारी देना चाहेंगे कि हेम भाई भी जुड़े थे उसमें, आपकी बातों को वो सुन रहे थे और इससे पहले दो सेशन आरजेएस फैमिली की अपनी हुई थी जिसमें हेम भाई जुड़े हुए थे, लगातार दो सेशन हुए और अब तीसरे सेशन में आपकी अपने अपने सवालों के जवाब लेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से। कंटिन्यू जी, बता रहे थे जो। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत जीडीपी और ये ग्रीडी डेवलपमेंट का लीडर नहीं है। भारत नेचुरल रिजुनेशन का दुनिया का गुरु हो सकता है, ग्लोबल टीचर हो सकता है, लीडर हो सकता है, लेकिन वो जीडीपी का लीडर नहीं होना चाहिए। जीडीपी हमारा लालच बढ़ाती है और उस लालच के कारण हम करप्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कंट्री को एक अच्छा देश, एक सदाचारी देश बने रहने के लिए जो भारतीय आस्था और पर्यावरण की रक्षा का चलन है उसमें मूव करना चाहिए। गंगा के नाम पर इतना करप्शन हुआ कि मुझे बताने में अपना समय बर्बाद करने की अब इच्छा नहीं है। इसलिए मैं गंगा साफ नहीं हूँ। गंगा को साफ करने का काम केवल एक मामूली काम है। गंगा को इन्वायरमेंटल फ्लो दे दो और गंगा पर गंदे नाले डालने वाले उद्योगों को बंद कर दो और जिस तरह से लॉकडाउन में गंगा दोबारा हेल्दी हुई और फिर दोबारा से उसको गंदा करना शुरू किया, फिर बीमार करना शुरू किया, वो ना होकर गंगा के लिए एक अलग तरह का लॉकडाउन होना चाहिए और गंगा का लॉकडाउन वो हो कि गंगा में गंदे नाले ना पड़े जैसे पिछले 2-3 महीनों में नहीं पड़े। बस उतना कर दीजिए तो गंगा ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा सवाल पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहें, जल जंगल हरियाली और जलवायु परिवर्तन। जी सर, मेरा एक सवाल था सर, जैसे हम गंगा की सफाई पर बात कर रहे हैं तो जो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी उससे सरकार को जो टैक्स मिलता है, चीजें होती हैं, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन, अब मान के चलिए कि लॉकडाउन खोला जा रहा है, उसमें भी अब लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए था, लेकिन सरकार को जो पैसे मिलते हैं या टैक्स के तौर पर जो मिलता है वो इन चीजों की वजह से मिलता है। अगर हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे बड़ी बड़ी, तो इसका कोई ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन निकाल सकते हैं हम लोग कि जो फैक्ट्रियां बंद ना हो। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, सरकार के पास भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी हैं, लेकिन उनके जीवन में सदाचार नहीं है, ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो गंदा पानी गंगा में मिलाते हैं। कहते तो वो भी माई हैं, लेकिन माई से कमाई करते हैं। गंगा माँ को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाने वाले केवल उद्योगपति हैं। उद्योगपति यदि अपना गंदा नाला गंगा में ना डाले तो जितना पैसा हमारा बीमारी पे खर्च हो रहा है माँ गंगा के बीमार होने से, जब माँ गंगा बीमार होती है तो हम भी बीमार होते हैं। माँ गंगा के जल में जो विशिष्ट गुण थे जिसको हम साइंस में बायोफाज कहते हैं वो नष्ट हो गया और उसके नष्ट होने के कारण बहुत तरह की बीमारियां गंगा के दोनों तरफ बढ़ने लगी। इसलिए तुम्हें ये समझना होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट कितना टैक्स दे रहा है और कितना हम हमारी बीमारी पर गंगा के बीमार होने से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो तुम्हें ये तय करना होगा कि हमें क्या चाहिए। क्या एक तरफ हमें बड़ी बड़ी बीमारियां चाहिए और दूसरी तरफ थोड़ा बहुत टैक्स चाहिए सरकार को? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपनी माँ गंगा की हेल्थ ठीक, जिससे हम ठीक रह सकें। हम अपना पैसा बीमारी पे खर्च नहीं करते। इसलिए हमें उद्योगपतियों को ईमानदारी सिखानी होगी
कि माँ गंगा को मेला ढोने वाली मालगाड़ी की तरह उपयोग ना करें, माँ को माँ की तरह सम्मान दें, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार करें, तब तो ये देश स्वस्थ होगा, तब तो ये देश दुनिया का गुरु बना रहेगा। लेकिन आप कहें माई और करें उससे कमाई, ये भारत का चलन नहीं। इसलिए भारत को अपने भारतीय ज्ञान तंत्र से, अपनी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से अपने को रिजुनेट करना है, अपने को रिवाइव करना है। अपन इस सड़े गले सिस्टम में ना जाए, पुराने सिस्टम में गले, नए सिस्टम बनाने की जरूरत है। और नया सिस्टम है रिवर और सीवर को सेपरेट करना, नदी को अलग रखना और गंदे पानी को अलग रखना, और गंदे पानी को रिट्रीट करके रिसाइकल करके रीयूज करना। इंडस्ट्री का पानी इंडस्ट्री में रीयूज करें, हमारा जो डोमेस्टिक पानी है उसको गन्ने जैसी फसल के उगाने में खर्च करें। मेरा दुर्भाग्य है कि जो एक लास्ट वाटर है गंगा अमृत, उसको हम गंगा की सिंचाई, उसको हम गन्ने की सिंचाई पे खर्च करते हैं, और हमें पीने के लिए सी क्लास वाटर मिलता है जो पॉल्यूटेड है, जिसको ट्रीट करके हम पीते हैं। दोस्तों हमें गंगा जल पीने के लिए मिले, और ये जो सी क्लास वाटर है उसको ट्रीट करके हम नहरों में कैनाल में डाल के कितना उत्पादन करें। गन्ने में जो शुगर बनती है वो जिस टेम्परेचर पे बनती है वो पॉल्यूशन तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में नहीं आएगा, इसलिए हमें सी क्लास वाटर में गन्ना उगाना चाहिए। ए क्लास वाटर जो गंगा का है उसको ड्रिंकिंग वाटर करें, यूज करें। सर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो धार्मिक प्रगति की है सरकार, लेकिन इनकी तरफ से भी अगर आपके अकॉर्डिंग में मानूं तो इनकी तरफ से भी इस पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? इसमें सरकार का दोष ज्यादा है या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो कर ही रही है, सरकार की तरफ से कोई इसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वाकई में या नहीं? सर बिल्कुल नहीं, ये जो सरकार है ये सरकार इस देश की जनता की सरकार नहीं है, ये कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी है। इस वक्त इस सरकार को जनता नहीं चला रही है, कॉर्पोरेट चला रहे हैं, कॉर्पोरेट के भी कुछ परिवार चला रहे हैं। तो जब सरकारों को कुछ परिवार चलाने लगते हैं तब देश की जनता के लिए शुभ क्या है उसका विचार नहीं होता। अरे इस कोविड 19 के टाइम में 42 फॉरेस्ट एरिया कोयला की खदानों के लिए निजी परिवारों को दिए गए, 42 पिछले 3 दिन में। आप कल्पना कीजिए कि जिस देश ने अपने जंगलों को बचाने के लिए इतने सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर प्रोजेक्ट ये सब बना के अपने जंगल को बचा के रखा था, उन टाइगर प्रोजेक्ट को, उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस सरकार ने 3 दिन पहले 42 5 राज्यों के जंगलों को कोयले की खदानों के लिए दे दिया, और ये कहा कि हमें ऊर्जा चाहिए इसलिए कोयले की ऊर्जा बनानी पड़ेगी। दोस्तों इन्होंने कोपनहेगन में, इन्होंने स्टॉकहोम में, इन्होंने रियो डी जनेरियो में, इन्होंने जितने भी पेरिस में, लेटेस्ट पेरिस में ये एग्रीमेंट किया था कि हम कार्बन को रिड्यूस करेंगे और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो कॉपर, ये जो कोयला कोल माइंस है, ये इस धरती पर कार्बन बढ़ाएगी, ऑक्सीजन के लेवल को कम करेगी। इसलिए आप सब बहुत ही क्रिएटिव जर्नलिस्ट दोस्त हैं, तो जरा क्रिएशन देखिए कि एक तरफ हम जंगलों को बचाने पर करोड़ों अरबों खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं जंगलों को बर्बाद करने के लिए हम कोल माइंस दे रहे हैं प्राइवेट फैमिलीज को। ये कौन सा फ्यूचर है, ये कौन सा वन महोत्सव जो हमें महोत्सव मनाने की छूट देता है? पिछले 3 दिन में हुआ था ये, 42 लीज दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश किस तरफ जा रहा है। इस देश को यदि इस देश को क्रिएटिव रास्ते पर लेके जाना है तो हमें जल जंगल जमीन को बचाना है, और हमें
जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन का नेटवर्क है उसको भूलकर हमें क्लाइमेट सिक्योरिटी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। हम क्लाइमेट सिक्योरिटी नेटवर्क को भूल गए हैं और हम केवल प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट के नेटवर्क में फंस गए हैं। चाइना ने पूरी दुनिया को शिकार बनाने की कोशिश की अपने प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन में, और वो खुद शिकार बन गया इस कोविड 19 का। वो पूरी दुनिया को शिकार करना चाहता है। शिकारी जब खुद शिकार बन जाता है, ये एक सीखने का अच्छा मौका है कि दोस्तों हमें चाइना के लालची डेवलपमेंट के रास्ते पर नहीं जाकर भारत के मूल रास्ते पर जाना चाहिए, भारत के मूल ज्ञान तंत्र को बढ़ाना चाहिए। भारत का जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है उसमें आज भी भारतीय आस्था पर्यावरण की रक्षा है, आज भी भारतीय आस्था पर्यावरण की रक्षक है। आज भी भारत के लोग पंच महाभूतों को भगवान कहते हैं। उस भगवान को बचाने के लिए हम सबको खड़ा होना होगा, तब भारत एक तरह से ग्लोबल टीचर बनेगा। सर जी आप सवाल ले रहे थे। सर जैसा कि आपने एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकारें और पर्यावरण प्रेमियों के बीच एक विरोधाभासी विकास चल रहा है जो कि वास्तव में विकास नहीं हो सकता, ऐसे विरोधाभासी परिस्थितियों में जीवन जी रहा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस भावना के साथ मैं जानना चाहूंगा कि इन विरोधाभासी परिस्थितियों में और द्वंद्व में जी रहा एक आम शहरी जो ना सरकार की नीतियों को परिवर्तित कर सकता है और ना ही आप लोगों के नेतृत्व में काम कर पा रहा है, वो पर्यावरण संतुलन में अपना क्या योगदान कर सकता? भाई आपका बहुत क्रिएटिव सवाल है। ऐसे ही छोटे छोटे कामों से अच्छी दुनिया बनती है, ऐसे ही छोटे रास्तों से बेहतर दुनिया के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों एक जन साधारण शहरी और एक जन साधारण ग्रामीण यदि अपने जीवन को सहजता से, सरलता से, केवल इस प्रकृति के साथ और अपने मानवीय जीवन के प्यार के रिश्तों को दोनों को बराबर रखे और जिन पंच महाभूतों से हम बने हैं उनको भगवान मान के इस सत्य के रास्ते पर अहिंसामय तरीके से चल निकले, तो दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ उसके जीवन की खुशियां, उसके जीवन का आनंद कभी कम नहीं होगा। मेरे जैसा मामूली आदमी यदि आज भी आनंद में है तो केवल इसलिए कि मैं अपनी नेचर को पोषण, अपनी नेचर का पोषक तत्व की तरह देखता हूं। मैं उसका शोषण नहीं करता, मैं उस पर अतिक्रमण नहीं करता, मैं उसमें प्रदूषण नहीं करता। मैं इस नेचर को अपना बनाने वाला मानकर, अपना पोषक मानकर मैं उसके प्रति सम्मान से जीता हूं और अपनी मेहनत से। अभी भी मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा है, फिर भी मैं 12 घंटे 10 घंटे अपने खेत में काम करके पैदा करता हूं और अपने जीवन को चलाता हूं। इसलिए हम ये सीख लेंगे कि इस नेचर से हमें उतना ही लेना है जितना हम अपने पसीने से इस नेचर को देते हैं। जब हम ऐसे व्यवहार इस नेचर के साथ करेंगे तो फिर हमारा लालची मन किसी की तरफ नहीं जाएगा। हम यदि शहर में रहते हैं तो वर्षा जल को बचा के अपने जो सर्विस करते हैं उससे जो भी कुछ प्रकृति के पुनर्जीवन में काम कर सकें वो करें, और ये जो विकास है जिसे हम विकास कहते हैं, ये विकास हमारे ज्ञान के विस्थापन से शुरू होता है, हमारे जीवन में विकृति लाता है और फाइनली विनाश के रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देता है। इसलिए इस विकास से बचना, इस ग्रीडी डेवलपमेंट से दूर रहना और हमें नेचर की रिजुनेशन की प्रोसेस को शुरू करना, वो एक मामूली आदमी ही अपने शुरू करेगा। हमारा जो जीवन है वो तीर्थ है,
इसको तीज की तरह से बचा के बना के रखना और अपने जीवन को आगे लेके जाना, ये जो हमारा उत्साह है, ये जो हमारी इनर पावर है, इसको बनाए रखना, ये पर्यावरण के जी जी हम लोग सवाल लेते हैं। अब आप नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, वहां से जुड़े हुए हैं पत्रकार भाई राजेंद्र जी से सवाल पूछ सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट के भाई जुड़े हुए हैं, नयन तारा जी हैं। हाँ ऋषिकांत जी पूछिए। ऋषिकांत जी नॉर्थ ईस्ट से सवाल लेते हैं। जी मेरा सवाल तो नहीं है। जय जगत मणिपुर से मैं एक पैसे के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। आपका ये जो नदी को जोड़ने के जो बात चल रहे हैं उसमें आपका बात रखे थे, उसमें मैं सहमत हूँ। और बहुत तेज से सरकार के ये कि हर नदी में जोड़े वो उसमें इनलैंड वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसमें काफी बायोडाइवर्सिटी का भी प्रभाव होने वाला है, नेगेटिव इम्पेक्ट होने वाला है, तो वही चीज को मैं रखना चाहता। थैंक यू, धन्यवाद। जय जगत, जय जगत राजेंद्र जी, जय जगत। कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए। हाँ डोगरा साहब, एस एस डोगरा साहब, SS डोगरा साहब, वन बाई वन आप लोग सवाल पूछिए। मेरे ख्याल से माइक को अनम्यूट कर लीजिए। दुर्गा जी आप पूछना चाहते हैं? दुर्गा प्रसाद मिश्रा भी मौजूद हैं। दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी पूछिए। दुर्गा प्रसाद जी आप अपना अनम्यूट करिएगा। सभी लोग अनम्यूट करके सवाल पूछे बारी बारी से, समय थोड़ा सा ही है। डोगरा सर आप, नहीं आ रही है। डोगरा सर आप अपना अनम्यूट करिए, आप अपने पास से आप करिए, आप सर बोलिए सर। डोगरा जी फिर से हो गया। चलिए जो जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछे। जी डोगरा सर आप पूछिए, आप आइए आपका आवाज। संजय अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। हाँ बोलिए बोलिए। आदरणीय राजेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है डोगरा साहब। आ रही है। आपका स्वागत है। मैं पिछले सेशन में भी आप आपकी आवाज कट गई और अभी आ रही है। मैं आपसे एक सीधा संवाद ये करना चाहता हूं और आपसे, क्योंकि आपकी जो अनुभव रहे हैं और जो मतलब आप जमीनी स्तर पर आपने जो काम किए हैं वो सच में बड़े सराहनीय हैं। इस माध्यम से कुछ हमें भी सीखने को मिले तो मैं एक आपसे प्रश्न ये करना, प्रश्न नहीं है जैसे, आपसे एक बात रखना चाहता हूं कि विश्व के अंदर सबसे अच्छा जल के ऊपर काम जो है इजराइल ने करा है। वो लोग, उनके पास हमारी तरह पानी का स्रोत नहीं है और बावजूद उसके उन्होंने समुद्र के पानी को भी इतना अच्छे तरीके से प्रयोग किया है कि आज की स्थिति में वो वर्ल्ड में एग्रीकल्चर की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो मतलब एक उदाहरण पेश करते हैं। वो ऐसी हमारे जैसे देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए इसपे। अभी जवाब दीजिए पूरी बात, थोड़ा राजेंद्र जी बात, समय नहीं डोगरा जी, सवाल छोटे, समय नहीं है। डोगरा साहब मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको दो जरूरी बातें बताना चाहता हूं। मैं इजराइल बहुत बार गया, वहां के बहुत सारे लोगों ने मुझे कई बार वहां प्रशिक्षण देने और ट्रेनिंग देने मुझे बुलाया, मैं गया। मैं आपको इतना बता दूं कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अपनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को अपने पैसे के बलबूते पर, अपने बिजनेस के पैसे के बलबूते पर काफी उपयोग किया। उसने पानी को रिट्रीट किया, रिसाइकल किया, रीयूज किया।
और समुद्र के खारे पानी को भी मीठा इसलिए कर पाया वो क्योंकि उनके पास पहले पानी नहीं था, लेकिन बाद में जैसे ही वो पावरफुल बना उसने जॉर्डन नदी को पूरा कब्जे में कर लिया, तो एक जॉर्डन और पैलेस्टीनी इन दोनों देशों को का जो पानी था उसका 80% पानी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। भारत ऐसे गलत काम नहीं करता जो इसराइल ने किए। इसराइल एक तरह का एक बिल्कुल लोभी लालची देश है जिसने दूसरों का पानी बड़ी बेरहमी से लूटा और लूट कर जो पीने के पानी के लिए जो बैंक डिपॉजिट किया, वाटर बैंक बनाया, वो तो इस नदी के पानी का, और जो खेती की उसने उसको उस पानी को ट्रीट बहुत अच्छे से किया, रिट्रीट भी किया, रिसाइकल भी किया, रियूज भी किया, लेकिन उनका प्रोडक्शन भारत के प्रोडक्शन से कितना गुना महंगा है ये समझने की जरूरत है। इंडियन इकोनॉमी और इजराइल इकोनॉमी में बहुत फर्क है, इसलिए इंडिया इजराइल से सीख नहीं सकता, इंडिया इजराइल को सिखा सकता। इंडिया ने कभी किसी देश की नदी का पानी जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। इंडिया इज नॉट एनक्रोचर, हमने कभी किसी की नदी को कब्जा नहीं किया। उन्होंने जॉर्डन जैसी नदी का 80% पानी कब्जा करके और दुनिया में पानी की वाई लूटने की कोशिश की। मैं उनके यहाँ कम से कम 7 बार गया हूँ, 7 बार बिना डरे इस बात को मैंने कहा कि तुम लोग जिस तरह की वाई ले रहे हो वैसी भारत नहीं चाहता। भारत किसी का पानी, हमने अपने छोटे भाई बांग्लादेश का, हमने अपने भाई नेपाल का, हमने कभी अपने छोटे भाइयों का पानी पर कब्जा नहीं किया, हमने सबके पानी को बराबर सम्मान दिया, इवन पाकिस्तान के पानी को भी। इसलिए दोस्तों आपको इजराइल की कहानी दूर से सुनने में अच्छी लगती है लेकिन उनकी इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी और इजराइल इकोनॉमी दोनों डिफरेंट है। वहां के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बहुत महंगे हैं, भारत महंगे प्रोडक्शन पैदा करके अपने गरीबों को नहीं खिला सकता। तो भारत को करना क्या है, भारत को करना है कि भारत का जो ए क्लास वाटर है वो पीने के लिए दे और जो सी और डी क्लास वाटर है उसको रिट्रीट करके रिसाइकल करके फिर उपयोग करे जिस खेती में कम खर्चे में हो सकता है। तो हमें उस रास्ते पर चलना होगा और वो रास्ता इंडिया का रास्ता इसराइल से बिल्कुल अलग होगा। इसराइल से हम कुछ सीख नहीं ले सकते, हम इसराइल को सिखा सकते। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं रखना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, जो आपने ये बात कही बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसराइल का जो आपने कंपैरिजन करा, हर किसी की अपनी अपनी भौगोलिक स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थितियां हैं। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में हमें किसी पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे जल स्रोत हैं लेकिन आज तक हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ आती है, हमारे यहाँ जो है सूखा पड़ता है। हालांकि राजस्थान में बहुत, मैं जो है श्री गंगानगर भी गया हूँ, वहां पानी का बहुत अच्छा इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हमारी ऐसी व्यवस्था आज तक पैदा हो पाई? 70 साल हो गए, हमारी नदियों के पानी को आज तक ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया। मेरा असल में इस प्रश्न का एक्सटेंशन ये था कि जब अगर वो लोग गवर्नमेंट भी और जो डोगरा जी प्लीज डेकोरम खत्म हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग हैं सवाल लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमारे बीच प्लीज डोगरा जी, एक्चुअली क्या है, राजेंद्र भाई से सवाल नहीं आ पाएंगे। आप नदी के बारे में जवाब मिल गया, अब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, वो आप इस बात को देना चाहें तो सर ठीक है, सर ठीक है, थैंक यू। ये दीपक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो कि एक जो कि ऐसी पत्रकारिता करते हैं जिससे कि वायु में प्रदूषण ना हो। दीपक श्रीवास्तव जी आप सुन रहे हैं? दीपक श्रीवास्तव जी आप माइक अनम्यूट करके बोलिए, आपके अगर सवाल है करिएगा सर। दीपक श्रीवास्तव, हाँ, एक अशोक ठक्कर जी भी जुड़े हुए हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जी, छोटा क्वेश्चन प्लीज बोलिए। हेलो बोलिए हेलो
हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। अरे आवाज आ रही है भाई, आप दीपक श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है। प्रदूषण तो इतना हो रहा है, हर क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है, जल में भी प्रदूषण है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार और स्वयं सेवी संस्थाओं के अलावा आम आदमी इस जल प्रदूषण से कैसे जुड़ सकता है। आम आदमी केवल गंदे पानी को अच्छे पानी में ना मिलने दे। गंदा पानी जब अच्छे पानी में मिलता है तो सारा पानी प्रदूषित हो जाता है। जैसे हमारी दूध की भरी हुई मटकी में हम दो बूंद जामुन डाल के पूरे दूध को दही में बदल देते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा गंदा पानी बड़ी बड़ी नदियों को गंदा कर देता है। इसलिए छोटे आम आदमी को, जनता को एक संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन में जितना पानी गंदा कर रहा है उस गंदे पानी को अच्छे पानी में नहीं मिलने देगा, उसके लिए एक सेपरेशन सिस्टम खड़ा करेगा और उसको ठीक करके अपने जीवन में, अपनी खेती में, अपने उद्योग में, अपने पशुपालन में, अपने डोमेस्टिक पर्पज में यूज करेगा। ये संकल्प प्रदूषण को रोकने में मदद करेगा और एक तरह से एक साफ सुथरा भारत बनाने का रास्ता खुलेगा। जी आगे जो सर मेरा एक क्वेश्चन, अगर प्रदूषण बचाना है, जल प्रदूषण बचाना है, तो एक पारंपरिक भारतीय प्रकार के अनुसार अतिथि को पूरे पानी दे दिया। देखो एक बात समझ लो, हेलो, प्राचीन भारत में जल शोधन की सर्वोत्तम व्यवस्था थी, उसको त्रिकुंडीय व्यवस्था कहते हैं और ये त्रिकुंडीय व्यवस्था बनारस में अब तक देखी जा सकती थी। 1932 में पहली बार होकिंस नाम के कमिश्नर ने हमारी जो भारत की त्रिकुंडीय बनारस की जल शोधन व्यवस्था थी उसको तोड़ने के लिए एक डेड लाइन का जीआर निकाला। उसमें लिखा था, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी वी कैन लिंक 3 ड्रेन डायरेक्ट विद गंगा। उन्होंने हमारे पूजा के जल में, पीने के जल में हमारे सारे गंदे पानी को डायरेक्ट मिला दिया। उसके बाद भारत के जल शोधन का सिस्टम बढ़ गया, नहीं तो प्राचीन भारत में कभी नदियां दूषित प्रदूषित नहीं थी। भारत के लोग अपना मलमूत्र अपनी नदियों में नहीं डालते थे, लेकिन 1932 के इस जीआर के बाद हमारा मल मूत्र हमारे पूजा के जल में, पीने के जल में सब में डायरेक्ट मिलने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट ब्रिटिश एम्पायर ने ये हमारे देश में हमारे प्राचीन ज्ञान तंत्र को धराशायी करने के लिए शुरुआत की। जी डॉक्टर वहाब आप सुन रहे हैं तो सवाल ले लीजिए, वन बाई वन, 10 मिनट का भी समय नहीं है। डॉक्टर वहाब जी, हाँ जी नमस्कार, जी नमस्कार आदरणीय, छोटा सवाल पूछें, सवाल पूछें जी, जी जी सवाल तो नहीं, मेरी जिज्ञासा है कि ये पानी की समस्या के लिए, जो जल समस्या है उत्तर और भारत को, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर, क्या उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों से क्या इसका अनुसंधान हो सकता है? अनुसंधान के प्रयास तो किए जा रहे हैं, किए गए थे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीनेशनल जो दुनिया की करप्ट बड़ी कंपनियां हैं, साफ स्वेज बियोल बहुत भ्रष्ट कंपनियां हैं, वो भारत की नदियों को जोड़ने का षड्यंत्र हमारे देश में डाल रही हैं। हमें नदी जोड़ने से उत्तर की नदियों को दक्षिण में ले जाने की जरूरत नहीं है, नदियों को नेचर ने जोड़ा है, जहां नदियों को जुड़ने की जरूरत है नेचर ने अपने आप जोड़ा है। ये इंसान इतना घमंडी क्यों होना चाहता है कि नेचर के खिलाफ नदी के लोगों के लिए अपने की बर्बादी करना चाहता है, अपने देश को लुटाना चाहता है, और जो भारत के हर गरीब से गरीब इंसान का पानी है वो कुछ कंपनियों के हाथ में पानी देना चाहता है। ये नदी जो नहीं है, ये पानी का प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों मैं पिछले 20 सालों से बोल रहा हूँ कि भारत में नदी जोड़ से भारत की बाढ़ सुखाड़ नहीं मिटेगी, भारत के लोगों की प्यास नहीं बुझेगी। भारत के लोगों की यदि प्यास बुझानी है तो हम सबको
हमें मिलने वाले बादल से वर्षा की बूंद को पकड़ के अपनी धरती का पेट को पानी से भरना है और उससे अपना जीवन चलाना है। जब भारत के भूजल के बैंक पानी से भरे रहेंगे तो पूरे भारत में बाढ़ और सुखाड़ का संकट नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट ओपन सेशन है जो बहुत आभार नहीं आप नाम बता के अपना सवाल पूछिए दूसरे लोग जो लोग नहीं पूछ पाए हैं। ओपन सेशन डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से बात के सामने बात रख सकते हैं। माइक को अनम्यूट करके माइक को टच करके आप देख लीजिए माइक ऑन है तो बोलिए प्लीज। संजय अग्रवाल जी देख रहे हैं। संजय अग्रवाल जी संजय अग्रवाल माइक को अनम्यूट कर लीजिए जिन्हें बोलना है। माइक को अनम्यूट करके बोलिए। संजय अग्रवाल माइक को अनम्यूट करके बोलिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए बोलिए आवाज आ रही है। सवाल अरे हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होता। हेलो सवाल पूछिए आवाज आ रही है। ये जो चर्चा है ना सर। हेलो हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी सर वो जो जल अपना अपने जो है जल के ऊपर जो है अभी हेलो आवाज बोलिए बोलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप यहाँ आवाज आ रही है प्लीज आप सुनाई दे रही है। आप सुनाई दे रही है आप बोलते जाइए। संजय जी को कहिए कि वो बोलते जाए। संजय जी आवाज सुन रही। संजय जी आपकी वो ऑफ कर चुके हैं। अच्छा दूसरे जो ओपन सेशन है प्लीज सवाल ले लीजिए। प्रदीप कुमार जी अगर आप चाहें डीपी मिश्रा जी नॉर्थ ईस्ट से सवाल लेना चाहें नयनतारा जी आप ले सकती हैं। रंजू कुमारी बिहार से आप ले सकती हैं सवाल। ओपन सेशन ऐसा कोई ना कहे कि हमें मौका नहीं मिला राजेंद्र जी से बात रखने का उनके सामने। आप लोग माइक को प्रखर माइक सारे प्रखर आप सुन रहे हैं तो आप सबके हेलो ये आवाज नहीं आ रही सर। प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। दुर्गा मिश्रा जी जी सर नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि सरकार ने जो कदम उठाया वो तो ठीक है लेकिन एक व्यक्ति के नाते व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इसके लिए। सर राजेंद्र सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर और किसी को आवाज सुनाई दे रही है राजेंद्र सर की। भाई ये जरा इको हो रही है जरा देखो इसको पारस देखो इसको इको हो रही है इको हो रही है आवाज। मैं निवेदन कर रहा था सर एक बार अपना अनम्यूट करिएगा। सर अपना अनम्यूट करिएगा आप एक बार। जी जी अब बोलिए सर। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा कि हमें एक व्यक्ति के तौर पर जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जो भी नेचर ने पानी दिया है हरियाली दी है हमें उसको बढ़ाने का संकल्प लेकर हम वर्षा जल को सहेजने का काम करें और ऐसे तरीके से करें कि जिससे उस पानी को सूरज चोरी ना कर सके। जब ये एवोपरेशन हो जाता है एवोपरेशन लॉस हो जाता है तो फिर पानी का लाभ हमें दिखता नहीं है। हमें
पानी का लाभ जब दिखता है, जो पानी हमने इकट्ठा किया वो हमारे भूजल के भंडार का पुनर्भरण करे, और फिर उस पानी से वो पानी जैसे RBI में हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, उस तरह से वो पानी हमारे वाटर बैंक में रहता है। तो हमें ये देखना है कि हम बादल से निकली हर बूंद को पकड़ लें और धरती का पेट उससे भर दें। जब हमें पानी की जरूरत हो तो उससे अपना जीवन चला लें। यदि आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो बादल से बरसा पानी दौड़कर चलता है, उसको रेंगना सिखा दें। जब वो रेंगने लगे तो पकड़ के धरती के पेट में बैठा दें। फिर उसको सूरज की नजर ना लगे, वो उड़े नहीं। जब तुम्हें खेती में, उद्योग में, पीने के लिए जरूरत हो तो उस पानी से जीवन चला लें। ये जो हमारा जीवन का चैलेंज बनता, ये हमें जिम्मेदार बनाता है, हमें एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह तैयार करता है। तो जब हम जिम्मेदार होते हैं तभी हमें हकदार होते हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी हकदारी बनाती है। जिम्मेदारी और हकदारी दोनों को जोड़कर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए केवल राइट की डिमांड करने से काम नहीं चलेगा, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सभी लोगों के सवाल डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने दिया है, और RJS फैमिली और पॉजिटिव मीडिया राजेंद्र सिंह जी का बहुत ही आभार व्यक्त करती है, क्योंकि आप जैसे शख्सियत का सकारात्मक भारत आंदोलन के इस वेबिनार में आने से देश भर को एक संदेश जाता है, और हमारे सारे पत्रकार भाई इन्हीं विषयों को जिसमें हम आने वाली पीढ़ियों को कम से कम बेहतर बनाने का संकल्प ले सकते हैं, एक शपथ ले सब लोग राजेंद्र जी के सामने जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया और इसी संघर्ष के रास्ते पर आज भी वो इतना जिस तरह से भारत के लिए चिंतित हैं। अब ये हम लोगों की पीढ़ियों को चाहिए कि इनके बताए हुए मार्गों को हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि नहीं तो पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। जिस तरह से चाइना को लेकर इन्होंने रोष व्यक्त किया है, ये रोष पूरे भारत में है, और हम लोग अपनी पुरानी जो पद्धतियां हैं जीवन जीने के लिए, जल जंगल जमीन ये सब किस तरह से इसका बंटवारा हो, मेरे ख्याल से उस पर भी अगर प्रकाश डाल दें लास्ट में चलते चलते, क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय है, एक बाकी हम धन्यवाद दे चुके हैं। राजेंद्र जी आप अंतिम संबोधन दें। RJS फैमिली 25 राज्यों की फैमिली है, और हम लोग किसी न किसी ऐसे जल के बारे में काम करने वाले जो आपने नाम लिया, उन दिवंगत आत्मा के लिए हम लोग RJS स्टार अवार्ड देंगे उनके नाम से, ये आज एक घोषणा की गई है। राजेंद्र जी आपसे बातचीत करके एक ऐसे जल से संबंधित महात्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देकर एक RJS अवार्ड शुरू करेंगे, इस साल में घोषणा करेंगे। बाकी आप अंतिम में हम RJS फैमिली और पॉजिटिव मीडिया दोनों हैं उनको बताइए संदेश लास्ट में, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। RJS फैमिली के सभी पत्रकार, सकारात्मक पत्रकारिता करने वाले मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको भगवान ने, प्रकृति ने ये ताकत दी है कि आप अपनी कलम से, अपने संवाद के साधनों से इस देश एक पर्यावरणीय आस्था को बढ़ाने के लिए, जो भारतीय आस्था है पर्यावरण की रक्षा की दिशा में, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और वो तब बढ़ेगी जब हमारे मस्तिष्क पे जल जंगल जमीन की छाप रहेगी। यदि हमारे मस्तिष्क में जल जंगल जमीन की छाप नहीं है तो ना हमारी आस्था में और ना पर्यावरण की रक्षा में हमारा कोई बड़ा योगदान हो सकता। इसलिए बड़ा योगदान देने के लिए RJS